हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लिखलाले। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज हम माइकोटॉक्सिन सीरीज में सेकंड माइकोटॉक्सिन को पढ़ेंगे, दैट इज ओकराटॉक्सिन ए। इससे पहले की वीडियो में हमने एफ्लाटॉक्सिन के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ओकराटॉक्सिन ए। मैंने सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर लाने की कोशिश की है जिसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किया, ठीक है ना। तो ये आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जिसपे क्वेश्चन बनते हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने उसी बेस पे ये टॉप जो नोट्स हैं वो बनाए, ठीक है। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओकराटॉक्सिन ए। ओकराटॉक्सिन ए को ओ टी ए भी कहते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, एब्रवेशन इसका ओ टी ए। ओकराटॉक्सिन जो होता है वो डेरिवेटिव होता है आइसोक्यूमरिन का। किसका? आइसोक्यूमरिन का। और ये लिंक्ड होता है 1-beta-phenylalanine के थ्रू। किसके थ्रू लिंक्ड होता है? 1-beta-aniline के थ्रू, ठीक है। ओकराटॉक्सिन ए जो माइक्रोटॉक्सिन है उसको एस्परजिलस और पेनिसिलिन की स्पीसीज प्रोड्यूस करती है। वो कौन कौन सी स्पीसीज है, ये आपकी स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो एस्परजिलस ओक्रेशियस, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत इजीली आपके समझ में आ सकता है, जैसे कि ओकराटॉक्सिन ओक्रेशियस, एस्परजिलस ओक्रेशियस ओकराटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है। एस्परजिलस कार्बोनेरियस ये भी ओकराटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है और एस्परजिलस नहीं करती, ठीक है। पेनिसिलिन की स्पीसीज जो है जो कि ओकराटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, दैट इज वेरुकोज़म, ठीक है। पेनिसिलिन वेरुकोज़म ओकराटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। इसका जो इन्फेक्शन होता है, एक्चुअली ये सीरियल क्रॉप के ऊपर जो सीरियल्स होती हैं उनके ऊपर इन्फेक्शन करता है। इसीलिए सीरियल से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर अगर सही वाले ग्रेन्स का हमने इस्तेमाल नहीं किया तो उनके अंदर ओकराटॉक्सिन ए का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर इन्फेक्टेड ग्रेन्स से वाइन बनी है या फिर कॉफी है तो वहां पर ओकराटॉक्सिन के इन्फेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेनली ओकराटॉक्सिन जो होता है वो वाइन से और कॉफी से पाया गया है, कॉफी से ज्यादा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर ओकराटॉक्सिन ए आ जाता है तो उससे इंडाइजेशन शुरू हो जाता है। अब अगर इंडाइजेशन है किसी को भी, तो इंडाइजेशन तो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी बड़ी बीमारी के होने का, ठीक है ना। तो वहां पे अब डाइजेशन ठीक से नहीं रहता है, ठीक है। अब डाइजेशन ठीक से नहीं है तो क्या होगा, जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी के अंदर इकट्ठे होते चले जाएंगे। बॉडी के अंदर जब वो इकट्ठे होते चले जाएंगे तो उससे किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए ओकराटॉक्सिन ए से नेफ्रोटॉक्सिन डिजीज होती है ना, ये नेफ्रोटॉक्सिन के टर्म में भी माना जाता है, क्योंकि इससे किडनी पे स्ट्रेस आता है, ठीक है। और ये कार्सिनोजेनिक भी है। इसके दो फॉर्म्स होती है, ओटीबी और ओटीसी। ओटीबी जो होती है वो ओकराटॉक्सिन ए की क्लोरीनेटेड फॉर्म होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्लोरीनेटेड फॉर्म ऑफ ओकराटॉक्सिन ए इज ओटीबी एंड एस्टर फॉर्म ऑफ ओटीए इज ओटीसी। जो एस्टर फॉर्म होती है वो ओटीसी होती है। तो ये कुछ ओकराटॉक्सिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें से कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर एक नोट की फॉर्म में लाने की कोशिश की। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय।